वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू मैक्रैक। मैं राहुल यादव आपका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज पीसीयूज में काफ़ी बार आया हुआ है और इससे रिलेटेड जो काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं वो हम आपके लिए आज लेकर आए हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पी वी डायग्राम से। पी स्टैंड फॉर प्रेशर, वी फॉर वॉल्यूम। ओके, सो प्रेशर इंटू वॉल्यूम डायग्राम। कार्नोट साइकिल कंटेन्स फोर प्रोसेसेस, दो रिवर्सिबल एडियाबैटिक्स एंड टू रिवर्सिबल आइसोथर्मल। देख लेते हैं कहाँ पे है वो। ये जो है यहाँ पर ऊपर, ये है रिवर्सिबल आइसोथर्म्स, ये दो। ओके, और यहाँ पर जो दो हैं ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेसेस हैं। ओके, और टी एस डायग्राम पे कुछ इस तरह ये दिखाई देता है रेक्टेंगल, से ध्यान रखना है। यहाँ पे कुछ स्लाइटली डिफरेंट है। ओके, और सबसे मेन ये होता है कि जब आप काफ़ी साइकिल्स कर लेते हैं, जैसे ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, काफ़ी साइकिल्स अवेलेबल हैं, तो उसके बाद डिफ़िकल्टी अराइज होना स्टार्ट हो जाती है, और वो होती है कि इसमें कौन से वो प्रोसेस थे। तो उसे याद रखने के लिए एक मैं छोटा सा ट्रिक दूंगा आपको, जो याद रखना आपको, वो है TCS का। TCS से हर कोई जानता है कि TCS क्या होता है। TCS स्टैंड फॉर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ओके, सो देखते हैं ये कैसे हेल्प करेगा आपको। यहाँ पे सी स्टैंड फॉर कार्नोट। ओके, इसे फिलहाल जो ये प्रोसेस देख सकते हो ये कार्नोट। ओके, टी स्टैंड फॉर टू रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी कि टू कॉन्स्टेंट टेम्परेचर्स एंड टू रिवर्सिबल एडियाबैटिक्स। ओके, सो टू रिवर्सिबल एडियाबैटिक्स। ओके, आगे चलते हैं। इस ग्राफ को भी एग्जाम्स में याद रखने में कभी कभी डिफिकल्टी होती है। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि एग्जाम्स में आपको ग्राफ काफ़ी सारे दिए होते हैं, ये और कुछ डिफरेंट शेप के, उसे याद रखने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है बच्चों को। तो इसके लिए भी मैं एक छोटी सी ट्रिक देना चाहूँगा कि आपके हाथ को ज़रा देखना है। कार्नोट हल्का फुल्का यहाँ पे ही मिल जाएगा आपको। ये जो दो लाइंस हैं काफ़ी नेचुरली हैं ये, और इसे ध्यान रखना है, ऊपर तक नहीं जाना है आपको, जस्ट नीचे ध्यान रखना है। ये कुछ इस तरह है और ये रहा वो शेप। ओके, कुछ तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी और वो है ये ऊपर की। ओके, इसको आपको याद रखना है, और ये जो है वो नेचुरली मैंने आपके हाथों में दिखा दिया। तो ये इसका सिंपल वे है याद रखने का। सो मूव करते हैं आगे थियरी के बाद, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं न्यूमेरिकल्स में। न्यूमेरिकल्स में कुछ इस तरह होता है कि जो कार्नोट साइकिल्स होते हैं, कार्नोट साइकिल्स में एक इंजन होता है जो हायर टेम्परेचर एंड लोअर टेम्परेचर लिमिट्स में वर्क करता है। तो हायर टेम्परेचर जो होता है उसे कहते हैं सोर्स, और जो लोअर टेम्परेचर होता है उसे कहते हैं सिंक। बेसिक्स हैं, ज़्यादा इतना ये नहीं है। इसमें होता कुछ यूँ है कि जो इंजन होता है वो Q1 हीट T1 से लेता है और Q2 सम हीट इज रिजेक्टेड। ओके, एंड प्रोड्यूसिंग अ वर्क डन, कुछ इस तरह से होता है। सो ये बेसिक्स थे। इसके बाद आते हैं एफिशिएंसी पे। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल इज गिवन एज 1 माइनस T मीन यानी कि लोअर टेम्परेचर। ओके, एंड टी मैक्स इट मीन्स दी T1 हाई टेम्परेचर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि एफिशिएंसी इज गिवन एज इज इक्वल टू 1 माइनस T मीन अपॉन T मैक्स। इसको याद रखना है क्योंकि एग्जामिनर, अगर आप इसको इस तरह याद रखते हैं 1 माइनस T1 अपॉन T2, T2 अपॉन T1, सो एग्जामिनर इतना भी ईजी नहीं देगा, कभी कभी वो रिवर्स करता है। तो आपको याद रखना है कि मेरा ऊपर लोअर होगा और बॉटम में हाई टेम्परेचर होगा। पहला पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो गेट में, अब यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं, और वो है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट इज गिवन एज 1 माइनस T मीन अपॉन T मैक्स। इट मींस इट डिपेंड्स ओनली द टेम्परेचर्स इन बिटवीन। आप कौन सा वर्किंग फ्लूइड यूज़ कर रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं, उसे कोई मतलब नहीं है। ओके, सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर ओनली। एग्जाम्स में कुछ इस तरह इसके क्वेश्चन होते हैं, द एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट साइकिल डिपेंड्स ऑन ओनली टेम्परेचर, और इस तरह होते हैं कि द एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट साइकिल इज गिवन एज इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। इतना याद रखना है कि इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। ओके, थोड़ा और आगे मूव करते हैं। एग्जामिनर फिलहाल इस छोटे से साइकिल पे न्यूमेरिकल्स ज़्यादा नहीं पूछते, वो कुछ और एडिशनल टच करते हैं और उसके बाद आपसे वो कुछ पूछते हैं। तो मैं वही ऐड करने जा रहा हूँ यहाँ पर, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उस पर भी ज़रा डिस्कस करते हैं। एग्जाम्स में होता है यूं है कि वो एक और इंजन यहाँ पे ऐड करते हैं। ओके, और T3 एक नया टेम्परेचर वो ऐड करते हैं, यानी कि ये तो हमारे बेसिक्स है जो हमने देखा, वो कुछ एक एडिशनल आपको देंगे। उसके बाद आपसे T2
और T1 T3 के बीच में रिलेशंस पूछेंगे. तो चलिए देख लेते हो किस तरह होते हैं. उस रिलेशन के लिए आपको दो चीज़ें याद रखनी है. फर्स्ट है कि फॉर द इक्वल एफिशिएंसी एंड सेकंड वन इज़ फॉर द इक्वल वर्क डन. T2 इज गिवन एज इज इक्वल टू T1 प्लस T3 अपॉन 2 इफ द वर्क डन फॉर द इंजन इज सेम. ओके and it is given as T2 is equal to under root of T1 T3 if the efficiency of these two engine is same. Okay, so दो condition arise होती हैं. tell exams में इस तरह कुछ होता है कि tell me the T2 if T1 and T3 is given and this is the condition. Okay, so ये basics है. इसके बाद move करते हैं कुछ important points हैं जो मैं एक बार again आपसे revise करना चाहूँगा. अच्छा एक पॉइंट यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट था वो बताना चाहूँगा कि कार्नोट साइकिल हैज़ द मैक्सिमम एफिशिएंसी. ये याद रखना है अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. कार्नोट साइकिल एक ऐसा इंजन है इसके अलावा आज तक हमने कोई इंजन नहीं बनाया जिसकी एफिशिएंसी इसको क्रॉस कर सके. इसके पास तक आ सकती है इसके पास टच हो सकती है बट इसको क्रॉस कोई नहीं कर सकता. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हाइएस्ट एफिशिएंसी इज कार्नोट साइकिल हैविंग द कार्नोट साइकिल. ओके पहला वो. सेकेंड पॉइंट एक ये था कि यहाँ पे जैसे कि वर्क प्रोड्यूस हो रहा है. ओके उससे रिलेटेड मैं एक पॉइंट बताना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको काफ़ी हेल्प करेगा. जब भी आपकी कोई साइकिल्स होते हैं वो क्लॉकवाइज होते हैं. क्लॉकवाइज ओके यानी कि इस तरह से. ओके TS डायग्राम में लो या PV में जिसमें भी. जब आपका साइकिल जब भी क्लॉकवाइज होगा तो इट ऑलवेज प्रोड्यूस वर्क. ओके व्हेन इट इज एंटी क्लॉकवाइज यानी कि रिवर्स डायरेक्शन में होगा तो इट कंज्यूम वर्क. ओके इसको याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट है. दुनिया का कोई भी साइकिल पढ़ो आज के बाद कोई भी साइकिल क्यों ना हो ऑलवेज इट प्रोड्यूसेस वर्क इफ इट इज क्लॉकवाइज पेपर पे एंड इफ इट इज एंटी क्लॉकवाइज देन इट कंज्यूम वर्क. ओके सो ये पॉइंट्स है कुछ इंपॉर्टेंट. चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं. पांच पॉइंट्स हैं कुछ जिसको मैं टच करना चाहूँगा. सबसे पहले कार्नोट साइकिल हैज द मैक्सिमम एफिशिएंसी. इससे ज़्यादा एफिशिएंसी कोई दे नहीं सकता. सेकेंड वन इट इज़ डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ओनली. इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली. यहाँ पे हमने कुछ फार्मूलेज देखे थर्ड एंड फोर्थ जो कि T2 इज गिवन एज फॉर द सेम वर्क डन एंड फॉर द सेम एफिशिएंसी फॉर दिस साइकिल. ओके एक और क्वेश्चन होता है कि कार्नोट साइकिल रियली पॉसिबल नहीं है क्यों. तो वहाँ पे ये होता है कि हमने यहाँ पे देखा कि दो रिवर्सिबल एडियाबेटिक्स है और दो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है. तो जो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस. इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा. और जो सेकेंड प्रोसेस है रिवर्सिबल एडियाबैटिक इस ये वेरी फास्ट. ओके सो ये जो दो कॉम्बिनेशन है वेरी स्लो एंड वेरी फास्ट के बहुत ही डिफिकल्टी है और काफ़ी एग्जाम्स में इनके भी रीजंस पूछते हैं वो. ओके कि क्या रीजंस है कि हम ये पॉसिबल नहीं है. सो आपको बताना है आइसोथर्मल जो है रिवर्सिबल आइसोथर्मल इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस. यानी कि कोई टेम्परेचर अगर आपको गेन करना है तो बहुत ही स्लोली उस प्रोसेस को मूव करना पड़ेगा ताकि वो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर हो. और जो एडियाबैटिक्स है यानी कि हीट एक्सचेंज ना हो दो सर्फेसेस के बीच में तो आपको जितना फास्ट आप कर सकते हो उतना स्पीड आपको करना है ताकि इंटरेक्शन ना हो सके. सो इस तरह से इसे याद रखना है. तो ये कुछ बेसिक्स है. और एक मेरा आपके लिए एक सेशन एक मेरे आपसे एक क्वेश्चन है जो मैं कमेंट में चाहूँगा कि एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट इज गिवन एज 1 - T min / T max. इट कैन बी इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग द टी मीन. या तो आप एक काम कर सकते हो कि टी मीन को और नीचे डिक्रीज कर सकते हो तो जाके आपको आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी. और यू कैन इंक्रीज योर एफिशिएंसी बाय इंक्रीजिंग टी मैक्स यानी कि आप T2 को वहीं पर रखो आप T1 को इंक्रीज करो. ओके सो एफिशिएंसी कैन बी इंक्रीज्ड. ओके या फिर आप दोनों को ही मूव कर सकते हो तो एफिशिएंसी डेफिनेटली इंक्रीज होगी. मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको नीचे कमेंट ये करना है कि विच वन इज़ बेटर बाय डिक्रीजिंग टी मीन और इंक्रीजिंग टी मैक्स. ओके तो इसे कमेंट में मैं चाहूँगा. सो आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट ज़रूर करें और ये जो मेरा क्वेश्चन था इस पर भी मैं ज़रूर चाहूँगा. तब तक के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.